वेलकम वेलकम बैक टू ब्लेसिंग चारो आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड हैप्पी हेल्थी सेफ एंड साउंड माय लव्स आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज और दूसरा ये कि कब होगी ओके द टाइम फ्रेम एज वेल एज लव मैरिज या अरेंज मैरिज तो आपके यहाँ पर बर्थ डेट्स हैं फायल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू तो मैं यहाँ पर एक मिनट वो रखना भूल गई हूँ आज क्रिस्टल्स फॉर इन ट्यूटिवली रुप जिनको चूज करना है पाइल नंबर वन आपके पास ये ब्लू क्रिस्टल है स्काई ब्लू पाइल नंबर टू आपके पास ये ऑरेंज और ब्राउन पीच कलर का क्रिस्टल है ओके सो चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई विल सी यू नो आई देखना है कि आपकी शादी का क्या सीन है लव मैरिज की अरेंज मैरिज लव मैरिज और अरेंज मैरिज पायल नंबर वन क्या आपका सीन है शादी का All right, Pile One, you got this hangman and um, Five of Pentacles, Kiski, high energy here. Pile number one. Hmm. गए सबसे पहले तो ना मुझे इफ यहाँ पर ना पाइल वन यहाँ पेंटिकल्स के काफ़ी सीन हैवी एनर्जी है, है। टॉरस कैप्रिकोन वर्गो इसके अलावा पाइसिस और आ, वाटर साइन वाले पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मुझे ऐसे लगता है पाइल वन के, आ, जो वाइब मुझे आ रही है मैं उसको भी आपको रिवेल नहीं करना चाहती बिकॉज यू से फा थोड़ा सा ना लेट मी जस्ट अरेफाई जो मैं आपको सोच रही हूँ लाइक like, जो मेरी ट्यूशन आ रही है एज़ इट राइट या इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है बाइन <laughs> हम्म यस आई वॉज राइट वेल ट्वेल्व नंबर वन यहाँ पर ना बेशक आप लोग डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे या इंडिपेंडेंट है डज़ नॉट मैटर एट ऑल यहाँ पर जो चीज़ें मुझे तो दिख रही हैं दैट इज़ लाइक गोइंग इन यस यस याज वर्ल्ड डिस्क्राइब इट ऑल डिवेंट पाइल वन पता क्या है यहाँ जो एनर्जी है आपके आस पास देखिए होना तो वही है जो ऑब्वियसली एंड वे डिवाइन की मर्जी होती है लेकिन एनर्जीज प्ले अ वाइटल रोल काफ़ी इट्स ऑल अबाउट एनर्जी ठीक है आपके पास जो एनर्जी है राइट ना हो आपके प्रपोजल की मैरिज की दैट इज़ अबाउट लव मैरिज लेकिन रुके एक मिनट बाद सुने ठीक है ये जो लव मैरिज है ना इसका सीन बहुत ही डिफरेंट है आम लव मैरिजेज से ओके आम नॉर्मली तो ये होता है कि दोनों मिले और लाइक प्यार हो गया फिर घर वालों को मनाया और फिर शादी हो गई यहाँ पर नहीं हुई वो नहीं माने ठीक है इस तरह का लेकिन दिस इज़ अ बिट डिफरेंट थिंग राइट क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग हो ना, आप लोग ज़्यादातर यू आर मोर मोर इन टू यू गाइज आर मोर एन टू करियर वी आर मॉर्न टू स्टेबिलिटी ठीक है आपको प्यार होगा आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा सब कुछ होगा सब सिचुएशन ठीक रहेगी लेकिन लेकिन एक स्टेबिलिटी के बाद ये होगा बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है ओके okay, तो मुझे एज इफ़ यहाँ पर ऐसे लग रहा है एज इफ़ यू गाइज विल मीट ईच अदर समर इन एब्रॉड ठीक है क्योंकि जब ये टू ऑफ़ कप्स आया था ना फोर ऑफ़ पेंटिकल्स के बाद मुझे जब ही समझ आ गई थी क्या सीन होने वाला है यहाँ ओके okay? आप लोग किसी बाहर अब्रोड की कंट्री में या एट लीस्ट अब्रोड की सिटी में मिलोगे मतलब अब्रोड की सिटी में नहीं मतलब आउट ऑफ सिटी ठीक है एट लीस्ट आउट ऑफ सिटी लेकिन क्योंकि ये शख्स ये पर्सन ये व्यक्ति आपकी अपनी नेटिव प्लेस का नहीं है इवन रेस कल्चर कंट्री रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है ओके okay? लेकिन बात आती है कि मतलब क्या सिचुएशन होगी मतलब बाहर कैसे मिलेंगे आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेस अभी इतने नहीं होंगे कि बाहर जाया जा सके या कुछ चांस ही नहीं होगा या वीज़े का प्रॉब्लम या आपने कभी सोचा ही नहीं डजन मैटर एट ऑल डज नॉट मैटर एट ऑल क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है स्टार ओके okay? स्टार कार्ड तो सबसे पहले आपको यही बोलेगा कि आपकी किस्मत में जो पर्सन है आपके जो नो you know, जो डेस्टाइट पार्टनर वो एक तो पहले मैं आपको बताऊं कि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ योर रीच ये इंसान करेंटली आपसे बहुत ज़्यादा दूर है ठीक है हो सकता है आप किसी को भी डेट कर रहे हों किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो या जो भी हो ठीक है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप ये रीडिंग है आपकी मैरिज की अब इसका मतलब ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि भाई आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा इसलिए परेशान नहीं होना ठीक है नो मैटर नो मतलब कोई पता नहीं वो आपके जो भी पर्सन हैं वो कल को अब्रॉड चले जाए ठीक है फिर हो सकता है आप ही चले जाओ या कुछ राइट नाउ करंट क्योंकि हैंगमैन है अगर आप बहुत जल्दी में हो शादी के इस स्पेशली अगर आपने अभी अपना करियर सेटल नहीं किया हुआ या आपके पर्सन ने तो फाइव ऑफ पैंटिकल्स करियर सेटल नहीं करा हुआ तो अभी यूनिवर्स की कोई प्लानिंग नहीं है आपको शादी करवाने की आपकी उसकी वजह यह है कि यूनिवर्स चाहते हैं पहले आप स्टेबल हो जाओ और फिर आपकी शादी करवाई जाए सिक्स ऑफ कप्स ठीक है मुझे पता है भी आप लोगों को काफ़ी बुरा लगा जिनको भी शादी जल्दी करनी है बट इट्स ऑल राइट ठीक है टेंपरेंस यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप दोनों अलग-अलग हो यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप दोनों यू गडर बींग ओके दिस इज़ टेम्परेंस कार्ड इस इज़ लाइक बैलेंस लाइक का यूनिवर्स चाहता है कि आप हमेशा इकट्ठे रहो इसलिए मे बी मे बी अगर उसको अभी आप लोगों को भी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो अभी आप लोग नहीं मिले इसी स्टार कार्ड है तो वैसे ही बता रहा है मुझे कि आपको वो काफ़ी दूर दूरियां हैं यहाँ या तो आप अभी मिले ही नहीं हो सिंगल हो आप से लूट लिया अगर हो भी रिलेशनशिप में तो भी आपको ख़ास कोई उम्मीद इस रिलेशनशिप से है नहीं और अगर हुई भी तो आपको लगता है कि इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम ठीक है लेकिन मैं आपको एक बात जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है दैट इज़ यू आर गोइंग टू गेट अव मैरिज प्रपोजल ठीक है लेकिन अगेन अगेन यहाँ पर अब्रॉड की वाइब है ये बहुत दूर है पर्सन आपसे से राइट नाउ बहुत दूर है आ, मेरे दूसरे चैनल पर मैंने इसी तरह से एक रीडिंग थी उसमें भी यही था मैंने बताया था कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट फार अवे तो वहाँ पर किसी ने कमेंट में किया मेरे को इतनी हंसी आई शी सेड कि हाँ इतना दूर है इतना दूर है मुझे लगता है किसी और यूनिवर्स में है इतना दूर है <laughs> तो इतना दूर नहीं है डोंट वरी ओके okay? uh, लेकिन है तो किसी और कंट्री में राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट इन योर रीच आपकी आप, बिल्कुल ही आपसे काफ़ी दूर है ओके okay? लेकिन जैसे ही आई थिंक आई थिंक ग्रुप वन आप अब्रोड जाएंगे लेट मी चेकआउट के आपके सिलसिले में अब्रॉड जाएंगे ये सारे उधर आपको मिलने वाला है uh, किस सिलसिले में आप जाएंगे यहाँ किंग जॉब के सिलसिले में गाइस जॉब के सिलसिले सिक्स ऑफ पेंटिकल जॉब के सिलसिले में आप बाहर जाओगे काम धाम के सिलसिले में ओके okay? या आप अपनी हो क्या उसे कहते हैं लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए किंग ऑफ फैंस आप लोग बाहर जाएंगे ठीक है ये पर्सन वहाँ आपको मिलेगा ओके okay? लेकिन जब आपको ये पर्सन मिलेगा जब आप दोनों जनों इकट्ठे हो दैट इज हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योरिटी यहाँ पर हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैं आपको बोल रही हूँ कि ये अ पर्सन जो है ना पायल नंबर वन आपको आपके स्टेबल हालत में मिलेंगे स्टेबल जब आप इमोशनली स्टेबल होगे जब आप इसी टेम्परेंस जब आप फाइनेंशियल स्टेबल हो गए जब आप इस नीड में नहीं होगा कि मुझे जब यह अभी, अभी अभी चाहिए मुझे अभी मेरा पार्टनर चाहिए इस वाले नीड में जब आप नहीं ना जब आपको यूनिवर्स आपको आपका पर्सन देंगे ओके okay. अच्छा यहाँ पे आप जो आई गॉट काटा चैनल मैसेज फॉर समबडी, गाइस हो सकता है आपका बचपन का कोई दोस्त कोई क्लास फैलो बचपन का कोई दोस्त या क्लास फैलो या कोई बहुत दूर का कोई रिलेटिव जानने वाले कोई बहुत आप जिसको पहले बहुत पहले जानते होते थे आपका ब्रॉड में मिल सकता है जिसके साथ मिलकर आप बहुत सारी पास्ट मेमोरीज की बातें करोगे बहुत पुरानी यादों की बातें करोगे हम तब ऐसे करते होते थे हम जब ऐसे खेलते होते थे हम ये करते थे वो करते थे ठीक है तो नॉट नेसेसरीली मैं ये नहीं बोल रही कि उनके तरफ से ही मैरिज प्रपोज़ल आएगा लेकिन इट इज़ अ चांस कि आपको अपने किसी पुराने दोस्त से बाहर भी मिलोगे इट विल बी अ सरप्राइज़ ओके। okay. औरल से देख लेते हैं क्या रीडिंग है ब्रोकन हार्ट मैन होल्डिंग अ पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस में भी आपको बोलते वर्ल्ड कार्ड वो गाइस। हंड्रेड एंड टेन परसेंट यहाँ पे कंफर्मेशन है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दो बार ही आया है टैरो से भी ऑरिकल से भी ओ माय गॉड हंड्रेड एंड टेन परसेंट है गाइस हंड्रेड एंड टेन परसेंट यहाँ पर सिचुएशन है कि आप और आपके जो पर्सन हैं ये देखिए है, वर्ल्ड कार्ड टैरो पे वर्ल्ड कार्ड और कल में क्या आप और आपके पर्सन बाहर मिलेंगे एक दूसरे से ठीक है मतलब बहुत दूर है दूसरी बात है कि एक साइकिल आपका लाइफ का एंड होगा तब जा कर के ये पर्सन आपको मिलेंगे और इट विल बी आप बेस्ट रिलेशनशिप ये दुनिया की हर खुशी इस कार्ड में है ओके okay. वेल well, आपके पर्सन हो सकता है पास्ट किसी रिलेशनशिप से परेशान हो क्योंकि तो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है ओके okay. तो ये आपको आपसे बोलेंगे आपको बताएंगे हमेशा ये हुआ वो हुआ ठीक है आप एक या वेकेंट सोल हो सकते हो हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो या हो सकता है आप गुजर चुके हो ठीक है आप उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के आएंगे बिकॉज ये दिस पर्सन इज़ नॉट स्परिचुअल एट ऑल मैन होल्डिंग है कॉइन ये ज़्यादातर इसी में होते हैं कि कमाओ खाओ और फिर यू you नो know, शादी करो बच्चे पैदा करो दैट सेट ईज़ ई इज़ इन टू दैट थिंग ठीक है लेकिन आप इनको स्परिचुअलिटी की तरफ ले करके आएँगे आप इनको बताओगे कि किस तरह से आप पॉजिटिव रह सकते हैं किस तरह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ें आप उनको बताएंगे तब जा कर के वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ठीक है उनको आपकी वाइब अच्छी लगेगी उनको ऐसे लगेगा कि मैं इसकी कंपनी में इम्पावर्ड फील करता हूँ मैं इसकी कंपनी में इजी फील करता हूँ ओके तो वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा उनको ऐसे लगेगा कि ये ये लड़की नहीं है ये लड़का नहीं है दिस इज़ अ फुल सोर्स ऑफ हीलिंग ओके तो जो फाइव ऑफ पेंटिकल जबूतर भी आया था अगबाउ डबल डबल आपके कार्ड रिपीट हो रहे हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड यहाँ भी आया है एंड वन होल्डिंग हार्ट वेल पायल वन हो सकता है आप दोनों की जो फैमिलीज़ हैं ठीक है आप दोनों की जो फैमिलीज़ हैं उनका स्टेटस डिफरेंस हो बहुत ज़्यादा पेरेंटल इन्फ्लुंस बहुत ज़्यादा हो ठीक है यहाँ तो ये यह लोग काफ़ी रिच हों या आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हों इस वजह से ये ये दिस रिलेशनशिप इज़ एब्सोल्यूटली अ मिसमैच ठीक है ये आप लोगों की ध्यान में होगा लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको शुरू में बताया था जो ट्विस्ट है वो ये होगा कि आप हंड्रेड एंड टेन परसेंट अपने उस टाइम ग्राउंड पे खड़े हुए हो स्टेबल हो फाइनेंशियली इस तरह और आपके पर्सन तो ऑलरेडी इज़ क्वाइट क्वाइट रिच पर्सन मैं ऐसे जोड़ दिस इज़ अ रिच द रिच पर्सन हिमसेल्फ ठीक है मैं फैमिलीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों की पर्सनल अर्निंग की बात कर रही हूँ तो आप दोनों ही स्टेबल होंगे आप दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे और ये जो आपकी एज है ना शादी की दिस इज़ नॉट इन अर्ली ट्वेंटीज़ टाइप नहीं है ये लेट ट्वेंटीज़ है या एटलीस्ट लीस्ट थर्टी थर्टी प्लस जा करके ना क्योंकि दोनों मेंटली मेच्योर हो एज वाइज भी मुझे ऐसे लग रहा कि ये कच्ची उम्र नहीं है दोनों काफ़ी मेच्योर होंगे तब जाकर के आप दोनों की मिलों के मिलोगे शादी होगी ओके okay? तो यहाँ पर सिचुएशन जो मुझे ऐसे लग रही है दैट इज रिलेटेड टू कि आपके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे वो डालना चाहेंगे वो फैमिली भी देखेंगे कि आप सलूट मिस मैच लेकिन क्योंकि आप दोनों ले चुके होंगे फैसला शादी करने का तो फिर वो गिव अप कर देंगे इसी दी और बोला ठीक है बच्चों ने खुद रहना है और आई थिंक आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग एज इफ आप लोग रहोगे भी अब्रॉड में शादी के बाद ठीक है तो वो पेरेंट्स इस ऐसे यू नो जब हालात होते हैं तो वो फिर खुद ही बच्चों को खुली छुट्टी दे देते कि चलो ठीक है जो करना करो रहना तो तुम दोनों ने कहा ही है मतलब हम जो भी कर ले करनी जो तुम लोगों ने अपनी मर्जी ही है तो फिर ठीक है जो करना है जो तुम लोग बेहतर समझो तो कर लो ये सिचुएशन है यहाँ पेरेंट्स नहीं एग्री होंगे लेकिन इन द एंड गिव अप करेंगे बिकॉज आप दोनों की मोहब्बत सच्ची है या आई डोंट नो लेकिन अचानक यहाँ मोहब्बत से ज़्यादा स्टेबिलिटी है आप दोनों फाइनेंशियली स्टेबल होंगे ठीक है अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये भी नहीं होता कि पेरेंट्स के सुनना छोड़ देनी है हमने हम बात नहीं माननी लेकिन मैं बोल रही हूँ ना पेरेंट्स खुद ही पीछे हो जाते हैं अक्सर अक्सर इन सिचुएशन में अक्सर फैमिलीज में नहीं भी होते हैं। लेकिन मोस्टली uh, ऐसे देखने में आया है आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक एवरेज सिचुएशन ओके लेकिन अगर ओबियसली जनरल रीडिंग्स हैं नॉट फॉर एवरीबडी सो लेट्स सी क्या सिचुएशन है हट टाइम टू गिव रादर दैन टेक वट यू नीड टू रिलीज कब होगी ये सिचुएशन मैंने आपको बताया है डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक कम्युनिकेशन इज दायल वन पायल नंबर वन मैंने आपको बोला है कि आपको कि साइकिल को दो दफ़ा वर्ल्ड कार्ड आया है कि एक साइकिल आपकी लाइफ से एंड होगा ठीक है फिर आप एक नए साइकिल अगले न्यू साइकिल के तरफ अपनी ज़िंदगी में जाएंगे ठीक है उसके लिए आपको आपके पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई चांसेस है ग्रुप नंबर वन के लिएगा दिस इज एब्सोल्युटली नॉट योर पास्ट पर्सन ये कोई नया इंसान है कोई नया व्यक्ति है दिस पर्सन इज़ अ न्यू प्रपोजल ओके और आपको कम्युनिकेशन इज़ द की आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे ये यू नो आई डोंट नो उन्होंने किस तरह से आपसे बात शुरू करेगा लेकिन कन्वर्सेशन फ़र्स्ट कन्वर्सेशन विल बी वेरी इम्पोर्टेंट इन योर रिलेशनशिप ओके आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे जब आप कम्युनिकेट करेंगे बातचीत करेंगे तो वो बात ऐसी होगी पहली कन्वर्सेशन कि उनके दिल में आप घर कर जाओगे उनके दिल में आप बैठ जाओगे एक बारी तो इट्स जस्ट लाइक अ फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली बात है दूसरी चीज़ मुझे इधर लग रही है कि आप नेगेटिव सोचना छोड़ दो जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि ये खा जाएगी आपको चीज़ मैं आपको साँच बोल रही हूँ नेगेटिव थिंकिंग जो है ना पालवन आपको खा जाएगी और कोई बचाने वाला आपको नहीं होगा मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ यहाँ और आई सो पाइल वन दिस वॉज़ योर रीडिंग ठीक है आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो अपना अपना ख्याल रखना इंटिल नेक्स्ट टाइम ठीक है रैन भाई हेलो हलो पायल नंबर टू तो हम देखने वाले हैं इज इट गोइंग टू बी लव मैरिज और अरेंज मैरिज और ये कि कब होगी When will you marry? Pile number two Love Marriage or Arranged Marriage. Pile two chariot fool. marriage, arranged marriage, eight of cups, hmm. six of wands, five of pentacles,

ऑफ 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 है नाइन एंड द फॉर्चून पाइल नंबर टू सिचुएशन आपके इस सीन में ना पाइल नंबर टू मुझे ना जहाँ जा, जहाँ पर कैंसर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है एर लियो सजिटेरियस फायर साइंस वालों की टॉरस कैप्रिकोन वर्गो अच्छ साइन एंड दूसरी बात इधर मुझे ना ऐसे लगता है पायल नंबर टू के ना आपके सिचुएशन में गाइस <laughs> मुझे एज इफ लग रहा है कि पायल नंबर टू आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी जिंदगी में अभी चाहे ये स्ट्रगल आपकी शादी को लेकर है या चाहे ये स्ट्रगल आप <laughs> सॉरी शादी को लेकर के चाहे चाहे ये स्ट्रगल आपकी करियर को लेकर के है या चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं ओके यू आर एब्सोलूटली वर्किंग हार्ड और आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ आगे करना चाहते हैं यू डू हैव बिग ड्रीम्स आपके बहुत सारे ख्वाब हैं आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आती कि मैंने मेरे साथ आगे क्या होगा बिकॉज आपका पाइल फ़्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत ज़्यादा वरीड है ओके <coughs> okay. आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते ना ही आप एक नॉर्मल रेगुलर सोल हो आप एक डिफरेंट पर्सन हो जिसका 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 मन यहाँ नहीं लगता है इस धरती पे। दिस जो इस दुनिया के लोगों को समझने से बिल्कुल ही लाइक अनएबल टू अंडरस्टैंड पीपल ये लोग आपके समझ से बाहर हैं आप लोगों से बहुत दूर जाना चाहते हो समटाइम्स आप बिल्कुल इस दुनिया को छोड़ कर जाना चाहते हो और मैं मर मरने की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन यू लिटरली वॉन्ट टू तो फाइंड अ प्लेस आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं इन लोगों की पॉलिटिक्स से इन लोगों की बुरे लोगों से जो जुल्म करते हैं जो बदतमीज़ हैं इनका यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर एनवायरनमेंट इस सेंसिटिविटी की वजह से समा आप रो देते हो कभी आप बहुत परेशान हो जाते हो कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है किसी कंट्री में किसी सिटी में तो आप फिर उसको सोचने लग जाते हो फिर आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ निकाल के उसके बारे में जाँच करने शुरू हो जाती हूँ उसको सोचते रहते हो कि क्या हुआ क्यों हुआ नहीं होना चाहिए था इफ पीपल आर सफरिंग तो आपको रात को नींद नहीं आती आप अक्सर ये सोचते हो कि मैंने जब आप रात को खाना खा तो यहाँ पे है कोई जब आप रात को खाना खाते हैं तो अक्सर आप कोई सोच आती है कि पता नहीं कितने लोग होंगे उन्होंने आज खाना नहीं खाया होगा और वह भूख सोए हुए होंगे और मैं ऐसे पेट भर के मैंने खाना खाया है यू आर वेरी डिफरेंट सोल्ड यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आप इस दुनिया के नहीं हो आप इस धरती के नहीं हो यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लान एट ऑल सो आई कैन सी वो है कि जहां तक शादी की बात है ठीक है यहाँ पर टेन ऑफ कप्स आया है अगर आप ये देखो दिस इज़ लाइक समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली अब यहाँ ये फैमिली यहाँ तो आपकी करंट फैमिली हो सकती है या फिर आपकी यू नो फ्यूचर फैमिली भी हो सकती है बिकॉज़ यहाँ पर फ्यूचर फ़ैमिली के जहाँ तक मैं बात करूँ तो ओबियसली डिवाइन ने आपके लिए एक बिग प्लानिंग की हुई है mm -hmm. आपकी शादी भी किसी रेगुलर पर्सन से नहीं होनी ठीक है अब ये पर्सन कौन है दिस पर्सन इज़ समी के जो दिस इज़ समी वेरी फ़ेमस फेमस अब नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं नहीं तो एटलीस्ट ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल है ठीक है और आप भी अपनी ज़िंदगी में एक डिफरेंट रहे हो मैंने आपको आपका एक्सप्लेन किया है यू है यू हैव मल्टी टैलेंट्स आप क्रिएटिव पर्सन हो आपका ध्यान ज़्यादातर काम में होता है पढ़ाई में या काम में या करियर में लगा होता है यू आर यू आर वेरी वेरी एम्बिशस पर्सन शादी के जहाँ तक एनर्जी है येस यू विल गेट मैरिड बिकॉज टेन ऑफ कप्स है और आपको आपका जो सोल है ये मिलेगा ठीक है लेट मी आउट इस पर्सन की एनर्जी क्या है दस टॉपिक तो था लव मैरिज की अरेंज मैरिज लेकिन मैं एक्चुअली आई वाज गेटिंग दैट चैनल मैसेज जो पहले मैंने आपको लेक्चर दिया दैट वाज एब्सोल्युटली चैनल चैनल मैसेज सो लेट मी आउट के शादी की एनर्जी ये इस पर्सन की एनर्जी क्या है ये कौन है आखिर एट ऑफ एट नंबर फैंसी कौन है काफ़ी फायरी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफ़ी फायरी एनर्जी है, है ये पर्सन काफी पढ़ा लिखा पर्सन है काफ़ी मैनेड और कल्चर्ड रिस्पेक्ट देने वाला इंसान है ये इंसान कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग है और यह पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपकी ना सपोर्ट आपकी बैकबोन बनेगा ओके जो वैन्स एंड नहीं सब ऑल अबाउट फायर साइड लाइक एयर इज लियोर सैजिटेरियस लाइक दिस इज दिस इज ऑल अबाउट पैशन दिस इज ऑल अबाउट लव दिस इज ऑल अबाउट लाइक क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर क्या सिचुएशन है इस पर्सन की जी फाइल नंबर टू हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या आप हो क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया का काफ़ी इन्वॉलमेंट है ठीक uh, है ये पर्सन थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है ठीक है थोड़े मॉडर्न माइंड सेट का होगा ये ट्रेडिशनल माइंड सेट का नहीं होगा वर्ल्ड आप लोग मिलेंगे कैसे मैनिफेस्टेशन वाओ वेल गाइस आप दोनों ही काफ़ी आई थिंक um, बुद्धि आप दोनों की दोनों की, की बहुत चलती को बहुत काफ़ी दोनों इंटेलिजेंट हो ओके okay? एंड आप दोनों एक दूसरे को खुद सेलेक्ट करोगे पेरेंटल इन्फ्लुएंस नहीं है मेडिशन एनर्जी मैजिकली मैनिफेस्टेशंस वर्ल्ड आपके पास का कोई कनेक्शन नहीं है लेट मी चेक आउट आपके पास का कनेक्शन है क्या क्या आपके पास का कनेक्शन है ग्रुप नंबर गेटिंग द मैसेज कि नहीं है लेकिन है हो भी सकता है यहाँ आई थिंक सम देर कि आपके पास लवर हो जिन्होंने आपको छोड़ दिया था यहाँ आपने जिनको छोड़ दिया था या फैमिली की वजह से आप दोनों लैदा हो गए थे क्योंकि यहाँ फैमिली इन्फ्लुएंस प्रेशर तब था लेकिन अब नहीं होगा फैमिली प्रेशर हर नो आप लोग मच्य हो गए हैं स्टेबल हो गए हैं फैमिली को इतराज अब क्यों नहीं है लेकिन फैमिली को इतराज पहले था लेकिन अब फैमिली को इतराज नहीं है अभी भी लव मैरिज लेकिन यू you नो know. या या, या। hmm. अल्टू मुझे ऐसे लगता है कि तब जो मसले थे जब उन्होंने कुछ अड़चन डाली थी शादी के लिए अगर पास लवर भी है तो अब वो सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी हुई है ठीक है एक तो आपने ख़ुद को काफ़ी ग्रो कर लिया है दूसरी मुझे ऐसे लगता है कि एज यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स के साथ अब आप भी वो पर्सन नहीं रहे हो यू आर चेंज पर्सन ओके फोर ऑफ़ कप्स ये पर्सन काफ़ी टेंशन में है आपको खोकर कर फाइव ऑफ कप्स येस ये पर्सन काफ़ी टेंशन में है आपको खोकर और ये पर्सन चाहता है आपसे दोबारा कनेक्शन लगाना देखो ये सब के साथ मैसेज रेजोनेट नहीं होगा ठीक है और ना ही मैं पर्सनली कभी भी रिकमेंड करती हूँ आप एक्स के पास वापस जाओ ठीक है क्योंकि जो पहले छोड़ के जा सकता है वो दोबारा भी छोड़ के जा सकता है लेकिन हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है हमारे यून कल्चर में पेरेंट्स का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो और ऊपर से हमारी वो कच्ची उम्र ट्वेंटीज़ की जो होती है उसमें हम लोग एक तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी हुए हो हुए होते करियर में हम लोग बिल्कुल ज़ीरो होते हैं ऑलमोस्ट हमारा जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं तो फिर पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आना पड़ता है तो वो डिसीजन ले लेते हैं शादी करने का या जो भी ठीक है लेकिन फिर वो हो सकता है आगे ना चली हो उनकी शादी या आई डोंट नो ये पर्सन मैरिड हैं आई डोंट नो या डिवोर्सड हैं यस लड़ाई झगड़ा इनके अपने पर्सन से चल रहा है पार्टनर से चल रहा होगा हो सकता है ये मुड़ करके दोबारा आपके पास आए यस yes. किंग ऑफ वैंस ये पर्सन काफ़ी रेडी है आपके लिए हाँ लेने के लिए एक्शन ओके तो मैं आपको सजेशन नहीं दे रही हूँ आप ख़ुद देखें कि आपने उसको चांस देना है कि नहीं आप पर डिपेंड करता है ठीक है लेकिन ये पर्सन काफ़ी पछतावे में है आपको छोड़ कर सी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा था सो so, गाइज रेस्ट एंड रेजोविनेशन ये पर्सन यस रीन चाहता है रेडिंग कहाँ से कहाँ चली गई है ऐसा आ गया बीच में थिंकिंग वूमेन हो सकता है आपको ये आप भी सोच रहे हो उनके बारे में मैं अन होल्डिंग अ हार्ट प्यार तो आप भी करते हैं उनसे और वो भी करते हैं प्यार तो ख़त्म नहीं है ठीक है येस दिस पर्सन इज एट योर गेट ये पर्सन एब्सोलूटली रेडी है आपको आपसे कॉन्ट्रैक्ट देखो कैसे कार्ड निकल के आ रहे हैं ओ माय गॉड कॉन्ट्रेक्ट पर्सन शादी करना चाहता है आपसे लीगल रिलेशनशिप में आना चाहता है डिसीट यस धोखा दिया था इन्होंने आपको या आपको ऐसे लगता है कि ये धोखा था या आपको ऐसे लग रहा है कि अब भी ये मुझे धोखा देगा लेट मी सी द फाइनल कार्ड किस रिलेशनशिप का क्या होगा अंत <laughs> ंग गाइस दोनों इतना प्यार करते हो एक दूसरे के लिए बने हो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं जो हाई लेवल सोलमेट है एक दूसरे के साथी हो डोंट डू दिस थिंग विद ईच अदर एक दूसरे से लदा मत हो मैं अब आपको ये कहूँगी ये कार्ड देखने के बाद जी एन हो सकता है ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप ये था ओके बट आई डोंट नो फिर स्टिल स्टिल आप लोगों की अपनी मर्जी है आई डोंट फोर्स एनी बडी आपको बेहतर पता है आपका पर्सन क्या चीज़ है क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ पर्सनल रीडिंग पे तो ऑबियसली वी हैव टू गिव जजमेंट फाइनल आपको देना पड़ता है सजेशन कि ये करें लेकिन ये जनरल रीडिंग्स है हर एक सिचुएशन डिफरेंट है एनी वट एवर लेट मी सी कि हाउ फार कब होगा ये कब शादी होगी आपकी नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओवर थिंकिंग मत करें स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन हा यू फुल मून एंड मूव। वेल, कार हो सकता है ये पर्सन बहुत डरा हुआ है या बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इसलिए पर्सन फ़र्स्ट मूव नहीं ले रहा आपकी तरफ आगे बढ़ के नहीं आपसे बात नहीं करना चाह रहा जो उसको करनी चाहिए ओके okay? लेकिन आप फर्स्ट मूव ले सकते हैं यहाँ पर ओके okay? लेकिन 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 लेकिन, लेकिन क्योंकि ये रिस्की है डेंजरस है क्योंकि एक्स है डोट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक हम्म पास्ट के छोड़ दें पास्ट में जो हुआ वो उसी तरह से होना था और गुस्सा मत करें ठीक है आई थिंक यू शुड फोगिव मैरिडेड कंटेम्पलेट यस मैं फो कर दे अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है गुस्सा है किसी पर तो आप मेडिटेशन से अपने स्पिरिचुअल गाइड से हेल्प ले सकते हैं कि आपका जो गुस्सा है वो ठंडा किया जाए वेल पायल नंबर टू बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी यहाँ जहाँ पर आई थिंक आपकी पेरेंट्स का मसला था शादी नहीं हो रही थी ठीक um, है तो नहीं माने पेरेंट्स बीच में आप दोनों लैदा हो गए और फिर फ्यूचर में कहीं जा कर के आप दोनों दोबारा मिले और फिर पेरेंट्स को कोई मसला नहीं होगा ये कुछ अजीब सी सिचुएशन थी लेकिन ये रीडिंग ऐसे ही है ओके सो या आई विल एंड अप दिस रीडिंग ओवर हियर एंड यस आई विल सी इन माय नेक्स्ट रीडिंग एंड टेक केयर बाय